हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिंकी तिवारी किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आप सब मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड में और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, लेकिन क्लिक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, आज हम बनाएंगे मूंग दाल की नमकीन। जो मार्केट में खाते हैं, बड़े चाव से बच्चे खाते हैं, वो हम घर पे बना लेंगे। बहुत आसान है, कुछ भी ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स लगता नहीं है, सिर्फ दाल है और इसमें ऑयल लगेगा थोड़ा और नमक। बस दो से तीन चीज़ों में आपकी नमकीन बनके तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, बहुत आसान है, तो देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो हमने लिया है मूंग दाल, देखिए एक कप के करीब लिया है मैंने, और इसको मैं भिगो दूंगी एक घंटे के लिए। पानी में भिगो के रखूंगी। तो एक घंटे बाद आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने पानी से निकाल लिया है इसको। इसको फैन के नीचे टोटल 10 मिनट के लिए मैं रखूंगी, देख सकते हैं आप। तो फैन के नीचे मैंने रखा और ये देखिए इस तरह से पानी इसका सूख चुका है। सर पानी सुखाना है गाइस, हल्का सा, हाथों में पानी ना लगे बस, ज़्यादा नहीं और ना कड़क आ जाएगी। तो बस इसी तरह से हमें चाहिए था। अब इसको करेंगे हम फ्राई। तो हमने ऑयल लिया है, ऑयल को गरम करेंगे। तो देख सकते हैं ऑयल हमारा गरम हो रहा है। तो इसको हम किसी छलनी में छानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसानी होगी। तो इसीलिए मैंने एक चाय वाली छलनी होती है, उससे बड़ी छलनी होती है, वो लिया है मेरे पास है, तो उस पर मैं छानूंगी। तो आप सब भी ऐसे ही ट्राई करें। अगर आप सबके पास नहीं है वो छलनी, तो लोहे की आटे वाली छलनी होती है, उससे कर सकते हैं आप सब। तो ये देखिए इस तरह से मैं इस छलनी में छान रही हूँ। हम वेट कर लेंगे, ऐसे चलाते रहेंगे, ये अपने आप अपना कलर छोड़ देगी। ज़्यादा डार्क नहीं करना है और ना कड़क हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें चलाते रहना है। हाँ गाइस, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप सबको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप सब ज़रूर लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है, हमारी नमकीन फ्राई हो चुकी है। तो हम टिशू पेपर या फिर, तो मैंने पेपर में, ये देखिए इसको एक से दो घंटे के लिए रखना है, तो मैंने टिशू पेपर में नहीं रखा है, आप रख सकते हैं और अच्छा होगा, आसानी से तेल अब्सॉर्ब करता है। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल पेपर में रखा है एक से दो घंटे के लिए। तो ये देखिए इस तरह से मैं बंद करके रख दूंगी और एक घंटे बाद हम देखेंगे कि कैसा बना है। तो चलिए ये देखिए इस तरह से नमकीन बनके तैयार हो चुकी है। तो गाइस, आप सब को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इसी तरह से नमकीन घर पे बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।